गुड मॉर्निंग बच्चों, टुडे वी डिस्कस अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोसाइड्स। ग्लाइकोसाइडों का निर्माण, तो ग्लाइकोसाइडों का निर्माण आप कैसे करेंगे, तो इसके लिए क्या होता है कि भाई जो डेक्सट्रो ग्लूकोज है, क्या है डेक्सट्रो ग्लूकोज है का क्या बनाते हैं अपना मैथेलिक सॉल्यूशन, यानी कि मेथेनॉल का सॉल्यूशन बनाते हैं। और उस सॉल्यूशन को बनाकर क्या करते हैं कि उसमें से हाइड्रोक्लोरिक गैस क्या करते हैं, पास आउट करते हैं या पास थ्रो करते हैं। तो क्या हुआ है, क्या होता है कि दो एनोमेरिक एसिटेल का मिक्सचर यहाँ पर प्राप्त हो जाता है, जो क्या होते हैं कि एक तो क्या होगा मैथिल अल्फा डेक्स्ट्रो ग्लूको पायरोनोसाइड, और दूसरा क्या होगा मैथिल बीटा डेक्स्ट्रो ग्लूको पायरोनोसाइड। ठीक है, यानी कि अल्फा और बीटा क्या होगा ग्लूकोपाइरोनोसाइड्स का आपको मिक्सचर यहाँ पर प्राप्त होगा। ठीक है, क्या करना है कि डेक्सट्रो ग्लूकोज का मेथेनॉल में विलयन बनाकर, मेथेनॉल में आप सॉल्यूशन फॉर्म करेंगे, और उस सॉल्यूशन में से फिर क्या करेंगे कि हाइड्रोजन गैस को पास थ्रो करेंगे। तो क्या होगा कि यहाँ पर आपको एसिटेल का मिक्सचर, यानी कि आपको अल्फा और बीटा ग्लूकोपाइरोनोसाइड का मिक्सचर आपको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो मिक्सचर प्राप्त होता है, यानी कि ये कार्बोहाइड्रेट के इस प्रकार से बने, क्या है कि एसिटेल का एक अपने जर्नल नेम की बात करें तो इन्हें ग्लाइकोसाइड, ठीक है, ग्लूकोज के एसिटेल को क्या कहते हैं ग्लूकोसाइड, मैनोस के एसिटेल को क्या बोलते हैं मैनोसाइड, ठीक है, फ्रक्टोज के एसिटेल को क्या बोलते हैं फ्रक्टोसाइड्स। ठीक है ना, कि जिसके अकॉर्डिंग आप, यानी कि जिसका आप यहाँ पर ग्लाइकोसाइड बनाएंगे तो उसके अकॉर्डिंग ही, सॉरी, जिसका एसिटेल बनाएंगे उसी का क्या है कि यहाँ पर ग्लाइकोसाइड फॉर्म हो जाता है। ठीक है, जैसे अब क्या बात की अपन ने डेक्स्ट्रो ग्लूकोज, का मैथेनॉल सॉल्यूशन बनाकर इस सॉल्यूशन विलयन में से हाइड्रोक्लोरिक गैस प्रवाहित पास्त्रो की जाए तो दो एसिटेलों या एसिटेल्स का मिक्सचर प्राप्त होता है। जैसे अब यहाँ पर अपने रिएक्शन बताएं, तो रिएक्शन क्या होगी कि भाई यहाँ पर जो हेमी एसिटेल है ये अपन क्या ले कि भाई डेक्स्ट्रो ग्लूकोज है, यानी कि इसकी साइक्लिक, और दोनों ये क्या है कि भाई आइसोमर होते हैं एक तरह के, CHO COH CHOH, इधर ये एच COH एच OH और ये H, ठीक है, और फिर क्या आ जाएगा CH2OH, ये क्या है डेक्स्ट्रो ग्लूकोज। ठीक है, तो डेक्स्ट्रो ग्लूकोज है, ठीक है, इसका अगर अपन साइक्लिक, ग्लूकोज का साइक्लिक क्या होता है कि जिसमें आपको ऑक्सीजन बॉन्ड यहाँ पर दिखाना है, तो उस कंडीशन में ये क्या होगा CHOH CH2OH,
OH, और यहाँ से ये ऑक्सीजन का बॉन्ड, ठीक है, यानी कि ये क्या है, ग्लूकोज का हेमी एसिटेल, ठीक है। अब हेमिस्टेल है चाहे ग्लूकोज है, कोई सा भी, यानी कि इसका कोई सा भी ये हो सकता है। इसका आप क्या बनाएंगे, मैथेनोलिक विलयन बनाएंगे, सॉल्यूशन बनाएंगे, ठीक है, इसका प्रोडक्ट में नीचे लिखूंगा। तो आप इसका मैथेनोलिक सॉल्यूशन और प्लस क्या रहेगा इसमें, HCl गैस, ठीक है, ये दोनों इसमें से क्या होंगे, भी पहले सॉल्यूशन इसमें डिजोल्व करेंगे इसको, और उसके बाद क्या है इसमें HCl गैस पास थ्रो करेंगे, ठीक है। तो आपको क्या है कि दो एनारोमिक एसिटेल आपको यहाँ पर प्राप्त होंगे, वो कौन कौन से प्राप्त होंगे, यानी कि इसके ग्लूकोज के अल्फा और बीटा, CH3, ठीक है। यहाँ पर ये मैथॉक्सी ग्रुप किसके साथ है, मैथिल ग्रुप ऑक्सी के साथ बॉन्ड बना रहा है, CH2OH, और यहाँ से ये इसके साथ ये ऑक्सीजन, ये क्या है, मैथिल मैथिल अल्फा डेक्स्ट्रो ग्लूकोपाइरेनोसाइड, ठीक है। प्लस आपको दूसरा मिक्सर यहाँ पर क्या मिलेगा, इसका बीटा वाला, तो बीटा वाला कैसे फॉर्म होगा, CO CH3, ठीक है, फिर यहाँ पर इसके साथ ये HCH OH CO OH, इधर HCOH HCH CH2OH, ठीक है, और यहाँ से ये ऑक्सीजन, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मैथिल मैथिल बीटा डेक्स्ट्रो ग्लूको पायरे सॉरी पाय पायरेनो साइड, ये इसका क्या मिल जाएगा आपको, मिक्सचर मिल जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या है कि भाई ग्लूकोसाइड क्यों बोला है, कि ग्लूकोज के जो हेमिस्टेल बनाएंगे तो ग्लूकोसाइड होंगे, इसी तरह से अगर मैनोस के बनाएंगे तो मैनोसाइड्स, ठीक है, इसी तरह से आप फ्रक्टोज के एसिटेल बनाएंगे तो वो क्या हो जाएंगे, फ्रक्टोसाइड्स हो जाते हैं, ठीक है। ग्लूकोज के हेमी एसिटेल को ग्लूकोसाइड, मैनोस मैनोस के हेमी एसिटिल को मैनोसाइड, फ्रुक्टोज
ग्लूकोज के क्या बोलेंगे, फ्रुक्टोसाइड। ठीक है, ये इनकी बात हो जाती है। अब नेक्स्ट जो आता है अपना, फॉर्मेशन ऑफ ईथर, नेक्स्ट टॉपिक क्या आएगा, फॉर्मेशन ऑफ ईथर। ईथरों का निर्माण, अब आप ईथरों का निर्माण कैसे करेंगे, तो यहाँ पर क्या है कि भाई जो मोनोसेक्राइड्स यूनिट्स हैं, क्या है मोनोसेक्राइड जो यूनिट है, उन यूनिट का क्या करते हैं कि भाई एक तो बात क्या होती है कि जो मोनोसेक्राइड्स यूनिट्स हैं उनमें क्या है कि एक से अधिक हाइड्रोक्सी ग्रुप होते हैं, तो इस रीजन से क्या है कि ये एल्कोहल की कंपेयर अगर बात करें तो ये क्या है मोर एसिडिक होते हैं, यानी कि अपने मोर एसिडिक बोल दें या अपने ये बोल दें कि स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। ठीक है, अतः इनका क्या है कि भाई जितना क्या होगा कि भाई एसिडिक करेक्टर बढ़ता जाता है किसी भी कंपाउंड में, तो उसका क्या है कि इथरेशन यानी कि इथरीकरण कराना क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। तो मेन यहाँ पर क्या है कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाता है, तो उस रीजन से क्या है कि इसका इथरेशन अपन क्या है कि आसानी से करा सकते हैं। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए अपने यहाँ पर क्या लें कि जो मैथिल ग्लूकोसाइड है, मैथिल ग्लूकोसाइड को क्या है कि एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड सोलियन सोल्यूशन में क्या करते हैं, डाईमैथिल सल्फेट के साथ रिएक्ट कराए जाते हैं, तो क्या होता है पेंटामैथिल डेरिवेटिव यहाँ पर फॉर्म होते हैं। ठीक है, तो पेंटामैथिल जो डेरिवेटिव फॉर्म होंगे, तो यहाँ पर क्या है कि भाई जो यहाँ पर कार्बन नंबर 2, 3, 4, 6, ठीक है ना, ये क्या है कि भाई यहाँ पर क्या है कि मैथोक्सी समूह होते हैं जो क्या है कि इथरीय ग्रुप है। ठीक है, मैथोक्सी समूह है, लेकिन जो कार्बन नंबर फर्स्ट है, ठीक है, तो सॉरी एक बात तो रहेगी बीच में कि भाई ये मैथोक्सी समूह है। ठीक है, तो ये यानी कि क्या है कि इथरीय ग्रुप हो जाते हैं। ठीक है, और इसलिए क्या है कि ये जो डायलूट एक्वस सोल्यूशन होते हैं उनमें क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। ठीक है, इथर का क्या है कि केवल जो डिसोसिएशन होता है, विघटन होता है, वो कंसनट्रेट हाइड्रोजन ब्रोमाइड और हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ गर्म करने पर ही पॉसिबल होता है। ठीक है, इसके बाद क्या है कि जो फर्स्ट नंबर कार्बन पर जो मैथोक्सी ग्रुप है, ठीक है, तो ये क्या है कि भाई अपन ये कह सकते हैं कि ये क्या है कि इन चारों से अलग है, या ये कहें कि अपन ये क्या है कि इथरीय ग्रुप नहीं है। इथरीय ग्रुप क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि भाई ये जो मेन बात है कि भाई इसका रीजन क्या होता है कि ये क्या है कि एक एस्टेल बॉन्ड का क्या है कि पार्ट है, एस्टेल बॉन्ड यहाँ पर फॉर्म करता है क्योंकि यहाँ पर एक साइक्लिक कंपाउंड फॉर्म होगा यहाँ से। ठीक है ना, भाई एसिटेल बनाएंगे तो फर्स्ट नंबर कार्बन से क्या है कि ऑक्सीजन का बॉन्ड बनता है अलग से, तो इस रीजन से क्या है कि यहाँ पर ये क्या हो जाता है कि एसिटेल जो बॉन्ड है, बॉन्डिंग है, उसका ये क्या है कि एक हिस्सा या ये बोले कि ये पार्ट हो जाता है। अतः ये क्या है कि एक ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, क्या हो जाता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है, जो क्या है कि डाइल्यूट एसिडिक सॉरी डाइल्यूट एक्वस एसिड में क्या है कि ये आसानी से क्या हो जाता है, इसका हाइड्रोलाइसिस हो जाता है और क्या होता है कि 2, 3, 4, 6 टेट्रा ओ मैथिल डेक्स्ट्रो ग्लूकोज बनाते हैं। यहाँ पर ओ का रीजन क्या है कि जो मैथिल समूह है वो क्या है कि ऑक्सीजन परमाणुओं के साथ जुड़ा हुआ है। मैथिल समूह किसके साथ जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर इसके नॉमिनी कल्चर में अपना ओ लिखते हैं कि ओ मैथिल। ठीक है ना, मैथोक्सी ना लिख करके अपन क्या लिखते हैं यहाँ पर, ओ मैथिल लिखते हैं। तो ओ मैथिल लिखने का रीजन यहाँ पर क्या है कि मैथिल समूह क्या है कि ऑक्सीजन परमाणु के साथ या ऑक्सीजन एटम के साथ क्या होता है, जुड़ा होता है। ठीक है, और इसकी क्या है कि अगर अपन करें कि जो अपन ये कहें कि अचक्रिय जो कंपाउंड होते हैं, अचक्रिय श्रृंखला संरचना में क्या है यहाँ पर C5 पर एक क्या है कि मुक्त हाइड्रोक्सी समूह विद्यमान होता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि ग्लूकोज के हेमिस्टेल वाले को बनाने में क्या होता है, ये यूज होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या है कि इस तरह से इसमें ये किसकी बात थी, ईथर का फॉर्मेशन यहाँ पर। ठीक है, तो ईथर का फॉर्मेशन
अपन क्या करते हैं कि पॉइंट नोट करते हैं कि जो मोनोसेक्राइड यूनिट्स हैं सॉरी बेटा मोनोसेक्राइड यूनिट्स में क्या है एक से अधिक मोर देन वन हाइड्रोक्सी ग्रुप ग्रुप प्रेजेंट होते हैं अतः यहां पर क्या हो जाएगा अतः यह एल्कोहल्स के कंपेयर कंपेयर क्या हो जाते हैं एल्कोहल के कंपेयर में ये स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाते हैं। ठीक है फर्स्ट पॉइंट। अब क्या है अतः इनका इथरेशन इथरेशन आसानी से यानी कि सिंपली ठीक है आसानी से हो जाता है। ठीक है फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के लिए ठीक है तो यहाँ पर मेथिल ग्लूकोसाइड का क्या करेंगे कि एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन में क्या करते हैं डाई मेथिल सल्फेट के साथ रिएक्ट कराएंगे। रिएक्ट कराने पर आपको क्या मिलेगा पेंटामेथिल डेरिवेटिव प्राप्त होंगे। तो ये एग्जाम्पल पर अपना नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है थैंक यू।